आज के इस वीडियो में बताएंगे सीएससी के द्वारा एचपी गैस का सब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते, यानी कि सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप कैसे सीएससी के मदद से एचपी गैस का ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे उसका पूरा प्रोसेस, जानेंगे एचपी गैस हो या किसी भी तरह का गैस, सभी का आप सब डिस्ट्रीब्यूटर सीएससी के द्वारा ले सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में। तो जानेंगे आज के वीडियो में कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए कैसे एग्रीमेंट होता है और कैसे क्या कमीशन है, पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सीएससी को लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे सर्च में सर्च करेंगे गैस। तो जैसे गैस सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। इस पर यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का, यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं सिलेंडर और केवाईसी कर सकते हैं उज्ज्वला योजना वाला का, और यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं सीएससी के थ्रू। तो उसके लिए यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और सीएससी का आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह आएगा, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल रहेगा, उसका प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसका तीन ऑप्शन आपको मिल जाता है बुक, यहाँ से आप सिलेंडर बुक कर सकते हैं एचपी हो या इंडियन हो या भारत गैस किसी भी गैस का, और यहाँ से आप केवाईसी कर सकते हैं या भी वर्क नहीं कर रहा उज्ज्वला योजना, और यहाँ से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू सीएससी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करें कुछ इस तरह का छोटा फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे अपना फुल नेम देंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पे एक ईमेल आईडी देंगे और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कौन सी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, इंडियन या भारत या एचपी, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस जिला में एचपी के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर वो सारे लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आप सब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं उस एजेंसी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट करना होगा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। तो वो एग्रीमेंट कैसे होगा, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए जैसे कि एलपीजी गाइडलाइन, इस पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको इसमें गाइडलाइन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको पर सिलेंडर के 10 रुपये मिलेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप खुद गोदाम से लाएंगे, एलपीजी गोदाम से लाएंगे तो आपको यहाँ पे 19 रुपये मिलेगा। अगर वो एजेंसी वाले आपके घर तक आपके सीएससी सेंटर तक सिलेंडर ला के देंगे तो आपको 10 रुपया ही कमीशन मिलेगा। अगर आप एलपीजी के गोदाम से लाते हैं तब आपको 19 रुपये कमीशन मिलेगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा गैस एजेंसी वाले उनके द्वारा आपको पेड किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे गाइडलाइन दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया, दूसरा डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और इसे डाउनलोड करेंगे। इसमें आपको बताएगा कैसे आपको रिफ़िल बुकिंग करना है और डिलीवरी करना है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तीसरी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे, तीसरी डॉक्यूमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एग्रीमेंट का सैंपल आ जाएगा, इस पर क्लिक करके ये ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चौथा डॉक्यूमेंट जो वो आपका ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपका ये है, ठीक है। और इसको क्या करना है, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको प्रिंट करवा लेना है। और चलिए इसको हम फिलहाल यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो ये सारा, इसको सभी को आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। प्रिंट करवाने के बाद किस तरह आपको बनाना है वो भी हम आपको बना हुआ एक पीडीएफ दिखा देते हैं। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको एक एग्रीमेंट बनवा लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बनवा चुका हूँ। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये एग्रीमेंट है और जो आपको मिलेगा 4 नंबर में डॉक्यूमेंट उसको आपको उस एग्रीमेंट पे प्रिंट करवा लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने प्रिंट करवा लिया है और आपको यहाँ फिलअप करना है, यहाँ पर एजेंसी का नाम देना जिसके अंदर आप सब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, और यहाँ पर एड्रेस देना होगा अपना, और साथ साथ यहाँ पर अपना विलेज का नाम, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट देना होगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे सबसे अंतिम पेज में, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर का सिग्नेचर मोहर लगवा लेना है और यहाँ पे वीएलई का नाम, एड्रेस और सिग्नेचर करवा लेना है। साथ साथ नीचे में दो गवाह विटनेस का नाम देना होगा, नाम, एड्रेस और उसका सिग्नेचर आपको दो करवा लेना है। इसी तरह का आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर से करवा लेना होगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट इस तरह आपको करवा लेना और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 4 नंबर में जो है डाउनलोड के ये ऑप्शन,
इस पर क्लिक करके आप जो वो एग्रीमेंट डाउनलोड करके और 100 रुपये के स्टाम्प पेपर से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक एग्रीमेंट बनवा लेंगे। उसी के साथ यहाँ पे दिया गया, इसके लिए आपको 1,000 रुपये चार्ज लगेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगेगा और पर सिलेंडर आपको 10 रुपये कमीशन पेड किया जाएगा बाई डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि इसके अलावा कोई सिक्योरिटी फी नहीं लगता है या नहीं लगेगा डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर को ना ही किसी अदर पर्सन को आपको देना होगा, ठीक है। तो ये समझ गया। और ये भी जो 1,000 रुपये आपको पे करना होगा वो आपकी CSC वॉलेट से ही पे करना होगा, ना कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आपको ये 1,000 रुपये देना होगा। चलिए ये सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जो बुकिंग वगैरह करेंगे, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, चूल्हा न्यू कनेक्शन, LPG गैस डिस्ट्रीब्यूटिंग कर सकते, गैस दे सकते हैं किसी को, और यहाँ से आप VLE रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लॉगआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए ये सारा डॉक्यूमेंट को फिलअप करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।